तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो है हमारे लगा के एमपी साहब की यहाँ भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है, तो सर इसका और पिछले जो लीडरशिप को किया जाता था अब अभी नेहरा को साउथ जो जाएंगे, तो इसका डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा सर? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आज का दिन है एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और जो ये किलमान इराक एक्सिस है और चिलिंग इराक, ये जो दो अनकनेक्टेड पोजिशन थे नीबू दंदाचा रोड के ऊपर, ये सबसे कठिनतम जो स्ट्रेच होता है उसमें से थे। इसमें काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और इसकी वजह से जो ये रोड है पिछले 18 साल से बन रही है, इसके बनने में देरी हो रही थी, और ये नहीं जुड़ पाने की वजह से जो यहाँ के लोग हैं, खासकर इराक के लोग हैं, बाकी जो लवरू फोड़ोसन इराक के एरिया के लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि देरी हो रही थी, जो हमारे डीजी साहब हैं उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया कि इसको एक प्रोजेक्ट को दिया जाए ताकि इसके ऊपर डेडिकेटेड काम हो सके, और इसके चलते पिछले साल जो इस रोड का जो जिम्मेदारी है काम करने का वो जोजो को दिया गया, और प्रोजेक्ट जोजक ने पिछले एक साल में काफ़ी मुस्तैदी के साथ एक मिशन मोड में इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे लोग थे इवन दिन रात एक करके, और सर्दियों में भी काम करते रहे, जिसकी वजह से आज ये हो पाया, सफल हो पाया है, और पूरा 3 किलोमीटर जो रोड स्ट्रेच है उसको हमने कनेक्ट करने में पूरी कोशिश की है और आज सफल हो पाए हैं। और अगला जो चिलिंग इराक का पोर्शन है उसको भी मार्च दिसंबर 2024 को उसको भी लिंक कर देंगे। चीफ गेस्ट, आज के चीफ गेस्ट इंडिया टीम रिजर्व स्टाफ, ऑल सिंगल अलोक विलेजर्स, मीडिया पर्सन कानेसर ले, आप सबको हम यहां पर वेलकम करते हैं। एक मॉडल ब्रिज है, और ये जो 160 ब्रिज लंच करवाया था उस टाइम जो 13 बीआरटीएफ का कमांडर साहब स्टार्टिंग में खुद यहाँ पर खड़ा रहा, जब तक पानी भी मतलब खड़े खड़े पिया है, खाना भी खड़े खड़े खाया है, जब तक दो दिन तीसरे दिन में कंप्लीट किया तब तक यहाँ से मिला ही नहीं है। तो मैंने एक ही चीज सोचा कि ऐसे अवसर होगा तो तभी देश जो है बचाया हुआ है। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूं। एमपी साहब जब एमपी बना लद्दाख, इस धरती को चेंज कर दिया। मैं दिल से बोला, दिल से, आज तक सोचा ही नहीं था। बहुत सारे एमपी आया, मैक्सिमम एमपी ने इस रोड को जो है रिजेक्ट करने के लिए तैयार रखा, कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा एमपी आएगा। भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है, दिल का बात करा, दिल का एक दिल से आवाज निकल आवाज। एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। तो एमपी साहब इस मतलब लद्दाख का एमपी बनने के बाद जो जंस्कर के निवासी लोगों के लिए, सिंगल लोगों के निवासी लोगों के लिए, उनके लिए तो इस रोड को जो है एक मतलब बहुत बड़े मतलब गिफ्ट दिया गया है। और उनसे पहले जो बहुत सारे एमपी आया, मैं आज नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि मैं आज ये बोल रहा हूँ एमपी आने के बाद उसको रोड को आगे बढ़ाना चाहिए कि या घटाना चाहिए। पहले जो बहुत सारे लीडर्स थे उन्होंने इस रोड को कभी नहीं चाहा। श्री जमयान सिंह नंगल जी आने के बाद इस संस्कार के निवासी, इस सिंगल रोड के निवासी, उनको जागृत करने वाला यही एक एमपी है। हम यही चाहते हैं उनका फले फूले रहे जिंदगी में। हम एक दिल से दुआ मांगे, दोबारा एमपी आए, हम दोबारा मंत्री देखना चाहता है उनको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस
के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका कितना बड़ा महत्व है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी यूनिट यहाँ पे बगल में ही है और लिंक सीट का जो रास्ता होता है और मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का रास्ता है तय करना पड़ता था, लेकिन इनसे मिलने के लिए, बात विमर्श करने के लिए मुझे पूरा लिंक सीट होके और पूरे रास्ते को कवर करके फिर यहाँ आना पड़ता था और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70-80 किलोमीटर और जो 2.5-3 घंटे समय लगते थे जो हार्डली 10 मिनट में हम आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये किलमान इराक जो कभी कनेक्टिविटी हुई है उसका न सभी हम सभी के लिए जो हम लोग रोड बना रहे हैं, लेकिन जो इराक के लोग हैं और जो यहाँ पे जो इससे कनेक्ट होंगे उनके लिए, इराक फोरस्कर के लोग हैं, यालचुम के लोग हैं, बाकी सारे लोग हैं, लिंकसेट के लोग हैं, कितनी बड़ी सहूलियत मिली है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे येरा वालों की ओर से, लिंगशेट वालों, ये युचुंग वालों की ओर से, जितना भी ईद गेट के गांव है और साथ ही साथ यहां से चलने वाले जो मुसाफिर है, टूरिस्ट है, जो भी है, सभी लोगों की ओर से धन्यवाद इस बात के देना चाहूंगा। हमारे ये सामने जो छोटे मोटे जो विलेजेस है उन सबको भी आपने बीटी करके कनेक्ट करने का आपने आशीर्वाद दिया है, इस बात के मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यहां से नीचे के बारे में मैं बात करें, बीच में जो 16 किलोमीटर लगभग 15-16 किलोमीटर का जो बचे है, मैं समझता हूं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जो हार्ड रॉक पोर्शन है सबसे कठिन काम जो है, ये लोकल भाषा में इसको ओमा बोलते हैं, वामे के बाद अगर यहाँ डिफिकल्टी टैरेंट है तो वो पोर्शन है जहां आपका 15-16 किलोमीटर बचते है, क्योंकि मैं वहां से चला हूं। हमारा कोशिश होना चाहिए बीच में एक अटैकिंग पॉइंट और हो, चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे कि इसका हमने कोशिश किया लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो उसको नीचे से जाके डबल ट्रिपल अटैकिंग पॉइंट कैसे बढ़ सकता है, और आपने अभी यहाँ पे बताया, मैं एक बार फिर से आपसे आश्वासन लेके हमारे लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा, मार्च 2023 तक इसको हमने कनेक्ट करना है, मार्च 2023 तक कंप्लीट कनेक्ट करके हम जब 24 इलेक्शन के कैंपेन के लिए आएगा तो यहीं से निकाल के आना चाहते हैं। और ये तोहफा केवल हमारे लोकल के लिए नहीं होगा, देश की सिक्योरिटी के साथ साथ भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगा, देश भर में यह सुनिश्चित होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दर्चा रोड में जब जब कोई भी नया ब्रिज बने, 2 किलोमीटर का प्रोग्रेस मिले, 3 किलोमीटर का प्रोग्रेस मिले, इसमें जो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और
तब का होम मिनिस्टर एडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस रोड को सैंक्शन करने में। उसी तरह बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेते जो आज बहुत सारे पद पे हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तब से हमारा सपोर्ट रहा इस रोड का, निमो पदुम दर्जा रोड का सपोर्ट रहा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,